रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात, आज इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी से, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेडी सिटी और इसके साथ वहां बनने वाली फिल्म सिटी पर फोकस होगी। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जानना चाहेंगे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास तो हो चुका है, उसके साथ साथ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ योजनाएं भी आपकी तरफ से लागू की जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो फिल्म सिटी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उस पर क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए सर। जी विनोद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का जी, और शिलान्यास के साथ ही वहाँ मौके पे काम शुरू हो गया है। वहाँ एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट बनाया जा रहा है, बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, लेबलिंग का काम चल रहा है जी, और कंस्ट्रक्शन के पहले का जो प्रोसेस होता है मास्टर प्लान उनका पास हो चुका है, डीजीसीए से अप्रूवल मिल चुकी है निर्माण कार्य की। तो अब डेवलपमेंट प्लान भी सबमिट कर दिया गया है, जो कंसेशनर है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की जो सब्सिडियरी भारतीय कंपनी है, उसने डेवलपमेंट प्लान भी सबमिट कर दिया है, जो कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर से अप्रूव होकर के फिर वहां पर रनवे का और टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू होगा जी। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी के लिहाज से अनूठा बनाने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव शुरू किए हैं जी। उनमें से कुछ चीजें मैं आपको रेखांकित करना चाहूंगा जी। जी एक तो एक पूरा का पूरा 31 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में बल्लभगढ़ से जेवर को जोड़ेगा जी। और ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड होगा, अभी कोई एग्जिस्टिंग ऐसी न रोड है न कोई स्ट्रक्चर है, और एनएचआई ने को इसका काम दिया गया है, एनएचआई ने नोटिफिकेशन भी कर दिया और काम शुरू हो गया है, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है जी। इसमें 23.5 किलोमीटर 24 किलोमीटर लगभग हरियाणा में है और 8 किलोमीटर के पास आसपास उत्तर प्रदेश में है जी। तो ये कम्प्लीट प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, इसमें एक्विजिशन शुरू हो गया है, इसके बनने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जेवर एयरपोर्ट सीधा जुड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट में जो है कमर्शियल फ्लाइट के साथ साथ कार्गो का भी बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है जी, जी। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया था अपने उद्बोधन में जी। तो इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है किस तरह की कनेक्टिविटी दी जाए, जो कि रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी और कार्गो की कनेक्टिविटी भी हो, ड्राई पोर्ट की भी बात हो। तो अभी पहले फेज में एक मैंने बताया कि बल्लभगढ़ से सीधे जेवर तक जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ एक नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन द्वारा एक बुलेट ट्रेन की एक योजना डीपीआर उसकी बनाई जा रही है, जैसा कि आप अवगत हैं, जो कि बनारस तक जाएगी दिल्ली से बनारस जी, जी। फेज वन में वो सराय काले खान नई दिल्ली से आगरा तक जा रही है और गौतम बुद्ध नगर जिले में उसमें दो जो है उसके स्टेशन दिए गए हैं, एक स्टेशन 142 सेक्टर में चिन्हित किया गया है और दूसरा जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में। अच्छा। तो कोई भी सराय काले खां से सीधे एयरपोर्ट के अंदर 21 मिनट में पहुंच सकेगा। तो एक हाई स्पीड रेल की भी परियोजना यहां पर आ रही है जी। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा यहां एक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस बनाए जाने की डीपीआर पे काम चल रहा है और यह हाई स्पीड एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस होगी, जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी और केवल 4-5 स्टेशन होंगे और यह जेवर से लेकर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऑलरेडी आईजीआई तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस चलती है, तो उससे कनेक्टिविटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, उस पर डीपीआर और फिजिबिलिटी स्टडी का काम ऑलरेडी डीएमआरसी कर रही है जी। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे पर एक इंटरचेंज, विचार इंटरचेंज भी बनाए जा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे पे ही है, 6 लेन एक्सप्रेस वे पे है और 700 मीटर दूरी पर इसकी टर्मिनल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, तो 4 इंटरचेंज और 700 मीटर बना करके सीधे एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ा जा रहा है। इसके ईस्ट साइड में 130 मीटर की एक रोड जो ग्रेटर नोएडा से प्रस्तावित है वो बनेगी, इसके नॉर्थ साइड में 75 मीटर रोड एक बनाई जा रही है जो कि पाथकर बना रहा है जी। इसके वेस्ट साइड में 60 मीटर एक पैरेलल रोड एक्सप्रेस वे के साथ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बन गई है, और साथ ही साथ साउथ साइड में पलवल खुर्जा एक्सप्रेस वे जो कि नेशनल प्लानिंग जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है जी, जी। उसकी जो परियोजना है वो पलवल खुर्जा एक्सप्रेस वे में वो चिन्हित है, उस पर भी काम चलाने का
की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ एयरपोर्ट से फिल्म सिटी को जोड़ने के लिए, आपने फिल्म सिटी की बात पूछी इसलिए मैं उसको चिन्हित कर रहा हूँ, एक पीआरटी सिस्टम पार्ट टैक्सी के रूप में एलिवेटेड बनाए जाने का डीपीआर तैयार किया गया है, इंडियन रेलवे एंड पोर्ट कारपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है जी। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से होते हुए फिल्म सिटी तक एक पार्ट टैक्सी की सर्विस होगी। इसके पीछे अवधारणा ये है कि अगर एयरपोर्ट पे किसी के पास 3 से 4 घंटे का लेओवर है तो वह पर्यटन के दृष्टि से फिल्म सिटी जहाँ की एम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा है उसमें विजिट कर सकता है अपने परिवार के साथ या स्वयं, और वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वापस जाकर के अपनी फ्लाइट को पकड़ सकता है। क्योंकि इस एयरपोर्ट की लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ ये फिल्म सिटी से कनेक्ट हो जाएगा और आगे इसमें वृंदावन का हेरिटेज कॉरिडोर आ रहा है, आगरा में भी डेवलपमेंट के परियोजनाएं की तैयारी की जा रही है, तो इस तरह से पर्यटन का ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक के, इसमें 5 जिले जो है पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेंगे। जहां तक फिल्म सिटी के बारे में आपने जानकारी चाहिए, सेक्टर 21 में केवल 4 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूरी पर ये फिल्म सिटी बनाई जा रही है, 1000 एकड़ में बनाई जा रही है जिसमें 780 एकड़ जो इंडस्ट्रियल है और 220 एकड़ कमर्शियल है। इसकी बिड जो है वो 23 तारीख को जारी हुई थी, 22 को हमने अनाउंस किया था, 23 को बिड मिलने लगी थी, 23 नवंबर 8 दिसंबर को इसकी प्रीबिड हुई है। प्रीबिड में 20 कंपनियों ने भाग लिया है, देश के और विदेश की कंपनियों ने, और उन्होंने जो प्रीबिड क्वेरीज होती है कंसेशन पीरियड को लेकर के, सब कंसेशन की परमिशन को लेकर के जी, और मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने के लिए, जैसे कई तरह की बातें अपनी क्वेरीज रखी है जी जी। तो आज शाम 5 बजे तक जो भी क्वेरीज आएंगी राइटिंग, उसका डिस्पोजल जो प्रीविड इवेल्युएशन कमेटी है, चूंकि ये परियोजना पीपीपी मोड में बनाई जा रही है तो यूपी की गाइडलाइंस 2016 के तहत जो है इसमें प्रीविड इवेल्युएशन जो कमेटी है जी वो उसके सामने ये पुटअप होगा और वहाँ जो डिसाइड होगा उसी के अनुसार जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। फिर इसकी बिड की डेट अभी टेंटेटिव तो 22 जनवरी रखी गई है, अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं तो 22 जनवरी ही इसकी बिड है और हम वी कैन होप कि 22 जनवरी को वी विल हैव अ डेवलपर फॉर द फिल्म सिटी जी जी जी। एक तीसरा मेडी सिटी का, सर मेडी सिटी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी। विनोद जी, मेडी सिटी जो है सेक्टर 28 में आ रही है जो की एयरपोर्ट से केवल 1.5 किलोमीटर ही दूर है, बिल्कुल पास में है, और 28 में भी जो मेडी सिटी है उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा पॉलिसी में एक स्कीम मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क की जारी की थी और सारे राज्यों से आवेदन मांगे थे, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने भी आवेदन किया था बल्क ड्रग पार्क में भी और मेडिकल डिवाइस पार्क में भी। तो मेडिकल डिवाइस पार्क की जो उत्तर प्रदेश की का जो प्रस्ताव था जो यमुना प्राधिकरण में सेक्टर 28 में मेडी सिटी मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का था, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इसके अलावा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल में भी 3 राज्यों को मिला है, कुल 4 राज्यों को स्कीम मिली है और उत्तर प्रदेश उसमें से एक है, और उत्तर प्रदेश की स्कीम यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मिली है सेक्टर 28 में। तो यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क और को इस तरह से विकसित करने की योजना है, इसके लिए बड़ी कंपनियों से भी संपर्क किया रहा है, वेबिनार भी हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, इसको इस तरह विकसित करने की जारी की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जिसमें चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो या सीटी हो, एमआरआई हो, इस तरह का फोकस इंडस्ट्री करने की बात है। कितना सफल हो पाते हैं या नहीं सफल हो पाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जो फोकस इंडस्ट्री जो इस तरह की है कि बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जिससे कि इस तरह की चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो चुके हैं जिनकी देश में जरूरत है, जो अभी इम्पोर्ट होती है जी जी जी। तो इसी उसके साथ यहाँ पर तैयारी चल रही है, इसकी डीपीआर पहले बनाई गई थी उसमें कुछ चीजें बताई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा द्वारा कि इसमें कुछ फाइनेंशियल वायबिलिटी और पे बैक पीरियड वगैरह आईआर वगैरह की गणना दोबारा करनी है, तो उसके लिए अवेयरनेस टेंट इसको को दिया गया है, तो फाइनल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हम लोग मंडे को डीपीआर हमारी आ जाएगी और मंडे को बाद हम डीपीआर भारत सरकार भेज देंगे। जैसे इस डीपीआर की मंजूरी भारत सरकार में होगी बस तुरंत ही हमारे यहाँ स्कीम लॉन्च हो जाएगी, हमारा लेआउट तैयार है, हमारा ब्रोशर तैयार है, केवल डीपीआर भारत सरकार में सबमिट होने और वहाँ से एक फॉर्मल अप्रूवल का इंतजार है, क्योंकि पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो हो चुका है, एक फॉर्मल अप्रूवल भी होता है तो उसका इंतजार है, उसके तुरंत बाद मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना लाई जाएगी और ये मतलब उत्तर प्रदेश के लिए और इस पूरे इलाके के लिए, बिहार तक के लिए और अन्य जो है सुदूर जो क्षेत्र है उनके लिए मेडिकल डिवाइस पार्क एक
नई चीज बनने जा रहा है। कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरह से भारत ने जल्दी जल्दी अपनी तैयारियों को पूरा किया और कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए कोविड पर विजय पाई। तो उसी कड़ी में जरूरी है कि अब आने वाले समय के लिए इस तरह की, क्योंकि जो वायरसेस हैं वो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं, म्यूटेशन होते रहते हैं, नए नए वायरस आते ही रहते हैं। वायरस होने का मतलब यही है कि उनके अंदर मल्टीप्लीकेशन, इसके अलावा और कोई भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता कि वायरसेस को लिविंग कहा जा सके। तो उनका म्यूटेशन होना ही उनका फीचर है। तो नए नए वायरसेस और नए नए स्ट्रेन आते रहेंगे, उसके लिए तैयारी अभी से होनी चाहिए और मेडिकल डिवाइसेस की तैयारी बहुत आवश्यक है। तो भारत सरकार के आभार से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, ये मेडिकल डिवाइस पार्क का सपना पूरा हो रहा है और हम सब लोग इसमें लगे हैं, उसके प्रतिबद्ध हैं कि ये वर्ल्ड क्लास जो है मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पर बनाया जाए। सर, जो एयरपोर्ट के साथ साथ जो आपने बताया था कि रिपेयर सेंटर भी एक होगा, MRO, वो किस तरह का होगा, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा दीजिए। जी विनोद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। MRO जो है वो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल का शॉर्ट फॉर्म है। इसके पीछे अवधारणा ये है कि जो काफी जो हवाई जहाजों में जो छोटे मोटी चीजें होती है वो तो हर एयरपोर्ट पे होती है, छोटे से एरिया में होती है, 10 एकड़ 20 एकड़ में जी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है चेंजेस होते हैं, इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए अभी सिंगापुर में जाते हैं बोइंग जहाज और एयरबस, ये दो मेजर कंपनी है जो कि हवाई जहाज बनाती है। तो सिंगापुर में और कोलंबो में एयरबस का एक अपना MRO है। इसके अलावा और कोई MRO इधर नहीं है और ज्यादातर होता है कि बोइंग का उत्पादन सियाटल में होता है तो सियाटल जाती है या सैन फ्रांसिस्को जाते हैं जहाज रिपेयर होने, या एयरबस जो कि पेरिस में जो फ्रेंच कंपनी है तो वहां पर जाते हैं। तो और एविएशन सेक्टर में जो है MRO बहुत बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि केवल MRO में केवल MRO ही नहीं होता, उसके साथ एविएशन पूरा एक सेक्टर डेवलप होता है, एविएशन से जुड़ी हुई तमाम कंपनियां आती हैं। जी जी जी, क्योंकि आप समझते हैं उसमें जो इंजन लगते हैं, जी के इंजन लगते हैं, रोल्स रॉयस के लगते हैं और भी कई कंपनियों के लगते हैं जी। तो वो उनके लिए रिपेयर के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए वो MRO के साथ साथ बहुत सारी एविएशन से जुड़ी कंपनियां आती हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है जब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम ला रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें अगर MRO जुड़ जाएगा तो ये भारत के एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और उससे इस MRO के आने से आर्थिक रूप से तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो आएगा ही आएगा, लोगों को रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे और एविएशन के क्षेत्र में भी भारत एक ट्रांजिट हब बन पाएगा। अभी देश में ट्रांजिट हब की स्थिति नहीं है, अभी हमारे यहाँ हम लोग दुबई जाते हैं वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, या कहीं और जाते हैं फ्रैंकफर्ट जाते हैं वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, या हम लंदन जाते हैं वहां से हवाई जहाज पकड़ते हैं, चूंकि वो सब ट्रांजिट हब्स हैं। भारत अभी ट्रांजिट हब नहीं बन पाया है, शायद इस तरह की व्यवस्था हो जाए और MRO आ जाएगा तो भारत शायद ट्रांजिट हब बन सकेगा और वो सारे एशिया पैसिफिक की सारी उड़ाने या यूरोप की उड़ाने ये बहुत यहाँ सारे जहाज आ पाएंगे। और उसके पीछे एक और ठोस कारण है कि भारत में जो भारतीय कंपनियां हैं, जो देसी कंपनियां इस समय जो भारतीय उस पे आकाश पे राज कर रही है, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे विस्तारा हो, इन्होंने लगभग 1800 हवाई जहाजों का ऑर्डर दे रखा है। अच्छा, एयरबस और बोइंग का। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हवाई जहाज आएंगे तो उनके मार्किंग की व्यवस्था, उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था, उनकी रिपेयर की व्यवस्था और उनके ओवरहाल की व्यवस्था, ये बिजनेस अपने आप आज हमारे पास तैयार खड़ा है बिल्कुल। और इन सबकी डिलीवरी अगले से 6 से 8 साल में होगी। तो उसके लिए अगर MRO आ जाएगा तो बहुत बड़ा बूम होगा भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो उसपे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत जोर दिया है, तो हम लोग उसके लिए लैंड एक्विजिशन शुरू कर रहे हैं 63 से 65 हेक्टेयर का। उसके लिए SIA भी हो गया हमारा और लैंड एक्विजिशन जनवरी में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने थोड़ी देर पहले हेरिटेज सिटी का जिक्र किया, तो लोगों की जिज्ञासा है कि हेरिटेज सिटी में आखिर क्या होगा और किस तरह का कंसेप्ट है वो, जो टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेगा लोगों के लिए। जी जी विनोद जी, विनोद जी, जो वृंदावन में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की बात है, एक तो पहले स्पष्ट कर दूं मैं आपके जी जो लोग सुन रहे हैं जो जी जी कि ये कोई नया वृंदावन शहर बनाने की बिल्कुल योजना नहीं है। वृंदावन का जो मौलिक स्वरूप है, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, वो एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी, 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 जी। ये कंसेप्ट है मूल रूप से। तो वृंदावन नहीं बसाया जाएगा, ना कोई नया वृंदावन जैसा कंसेप्ट है, बल्कि दो मंदिर
सबसे प्रसिद्ध है, एक द्वारकाधीश मंदिर और एक बांकी बिहारी मंदिर। जी जी। दोनों को यमुना एक्सप्रेस वे से सीधे 100 मीटर पे दो बाइसेक्ट बना करके, दो मेजर आर्टरी बना करके जोड़ा जाएगा दोनों मंदिरों को। और साथ ही साथ ये जो हिस्सा एक्सप्रेस वे से लेकर के यमुना के तट तक, जहाँ बांके बिहारी मंदिर है और दूसरी तरफ जहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, वहां पर एक तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना है, वहां पर कथा वाचनालय कि भगवत कथा लगातार चलती रहे, 50 ऐसे सेंटर्स बन जाए, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो जाए, और एक वेहिकुलर मूवमेंट के लिए और इंडिविजुअल जो है लोगों के लिए परिक्रमा के लिए एक सारे वो सारे गांव बनाए जाने की योजना है जो कि भगवान कृष्ण के से जुड़े हुए हैं, उनके साक्षी हैं, उनकी जो धरती पर उनकी यात्रा थी भगवान के साक्षी हैं, जैसे गोकुल हो, नंदगांव हो, बरसाने हो, उस सबको रिलीव करेंगे, फिर से बनाएंगे। और साथ ही साथ जो मथुरा आर्ट है और मथुरा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो ब्रजभूमि की जो संस्कृत है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसके लिए म्यूजियम और मथुरा आर्ट के लिए एक म्यूजियम, और ये सारा एक परिक्रमा मार्ग पे होगा, बीच में जल होगा सरोवर, और आप गाड़ी से भी ड्राइव कर लेंगे, ड्राइव इनके साथ साथ आप इन सब चीजों को देख पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप परिक्रमा करना चाहेंगे, पैदल देखना चाहेंगे, तो पैदल भी पेडेस्ट्रियन भी पास होगा। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली कि जो है टूरिस्ट को यहाँ आकर रुके और इन चीजों को देखे, और उसके बाद अगर उसको स्पिरिचुअली वो अलाइव है और दर्शन करना चाह रहा है और जाना चाहता है, जो मैं विदेशी पर्यटकों की बात कर रहा हूँ, तो काफी विदेशी पर्यटक चूंकि वृंदावन में आते हैं, उनकी बड़ी आस्था है भगवान कृष्ण में, तो वो वहां पर जा सके, दर्शन कर सके, और एक रात रुकने के लिए हो। अभी क्या हो रहा है कि जो लोग दिल्ली से आते हैं वृंदावन रुकते नहीं, वापस लौट जाते हैं, जो लोग वृंदावन घरेलू लोग भी रुकते हैं, कुछ लोग विदेशी भी रुकते हैं, लेकिन उतने लोग नहीं रुकते जितना की फुटफॉल है, जितने लोग आते हैं उसके अनुपात में बहुत कम प्रतिशत रुकता है, 5% रुकता है, जबकि ये परसेंटेज हम कन्वर्ट करके 40-50% कर ले जा सकते हैं। तो हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के पीछे जो दो हमारे प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थान है, उन दोनों की कनेक्टिविटी बहुत सुगम करना, सीमलेस करना, जो कि अभी बहुत कठिन है। आप अगर गए होंगे वृंदावन और द्वारकाधीश मंदिर, तो वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको सीधे जोड़ा जाएगा 100 मीटर के रोड से, और साथ ही साथ रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, भगवत कथा के लिए बनाएंगे सेंटर्स, और पूरा एक सारे गांव को फिर से जीवंत करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण की लीला समाई हुई थी। जी जी। एक सर चलते चलते एक सवाल ये है कि जो लोगों ने एक कंसेप्ट बताया कि जो जेवर एयरपोर्ट है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होगा, और जो भवन बनेगा या इमारत जो बनेगी उसमें उस तरह की चीजें को प्रदर्शित किया जाएगा, क्या मथुरा वृंदावन कृष्ण की छवि का भी कोई उसमें स्पेस होगा म्यूजियम टाइप का, जिससे कि लोग आए और उसको देखें? जी जी। देखिए, ये जब इस एयरपोर्ट के लिए इन्होंने डिजाइन के लिए ज्यूरिख कंपनी ने कॉम्पिटिशन कराया था, वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिशन कराया था, तो उसमें जो डिजाइन अप्रूव हुई थी जी, और जो लोगो अप्रूव हुआ था, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन किया था कंपनी ने। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डिजाइन और तो बहुत अच्छा, लोगो तो खैर सारस है जो कि यहाँ का स्थानीय जेवर का पक्षी है, तो उसको तो ठीक है, वो तो जल कर रहा हमारी चीज से, लेकिन जो डिजाइन है वो भारतीयता से जल नहीं कर रही है, भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो आप डिजाइन करें उसको इस तरह डिजाइन करें कि जैसे ही कोई वहां पर उतरे जेवर में, तो उसको तुरंत उतरते एहसास हो जाए कि वह भारत में है, उसको बताने की या किसी परिचय की आवश्यकता नहीं हो। ट्रांजिट हब जब बनेगा तो विदेशी पर्यटक बहुत आएंगे जो अपनी ट्रांजिट फ्लाइट पकड़ेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ज्यूरिख ने दोबारा उसको रीडिजाइन किया है, और विशेष तौर से ब्रज संस्कृत को, ब्रजभूमि को और मथुरा आर्ट को और बनारस के घाटों को और गंगा यमुना सरस्वती के कंसेप्ट को लेते हुए, आंगन के कंसेप्ट को लेते हुए, नदियों के जलधारा को कंसेप्ट लेते हुए नया एक डिजाइन तैयार किया है जिसका एक फाइनल प्रेजेंटेशन जल्दी होगा। तो इसमें मथुरा और बनारस मुख्य रूप से उनकी और भारतीयता की झलक, क्योंकि ये नाम भी गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ चीजें वहां डाली जा सकती है। तो कुल मिला के ऐसी चीज होनी चाहिए कि आपको बहुत ही एहसास हो जाए कि आप भारत की संस्कृति को देख रहे हैं, आप भारत की विरासत को देख रहे हैं, और ये कल्चरल हेरिटेज जो है रिस्टोर करना और उसको गायब होने से बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है जब आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इस युग में इस तरह की चीजों को, ये जो दृष्टि है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने जिस दृष्टि से बात कही है, तो उसको पूरा करवाने में कोई कोर कसर नहीं होगी।
जी जी जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से बात की और बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत विस्तार से जानकारी दी सर, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार विनोद जी, आपसे बात करके हमेशा मजा आता है जी, और जब भी आप कभी फिर अवसर देंगे तो आपके श्रोताओं के साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और आपको नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी को, जिन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिसिटी और साथ ही फिल्म सिटी के विकास से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी है। और आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे ही जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।